तो जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पांचवा लिस्ट आ गया है, वो भी सेल्फ फाइनेंस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पांचवा लिस्ट आ गया है दोस्तों। अभी जस्ट अपलोड हुआ है जामिया का वेबसाइट पे, मैं आपको ताजा ताजा खबर आपके पास पहुंचा रहा हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, साथ ही लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हो या JNU का हो, DU का हो, जामिया का हो या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का हो। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये डिप्लोमा इन सेल्फ फाइनेंस का पांचवा लिस्ट है और उम्मीद है अगली लिस्ट भी आएगी, यानी छठवीं भी आएगी और हो सकता है इस साल सातवीं भी लिस्ट आए। तो दोस्तों वीडियो में आप देखिए, मैं A to Z आपको बताने वाला हूं सारा डिटेल्स। एक छोटी सी डिटेल्स मैं आपके लिए इसलिए बताता हूं क्योंकि आपका जो मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपको एडमिशन लेते वक्त किसी चीज की दिक्कत ना हो। दोस्तों ये है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस का, ये फिफ्थ लिस्ट है और 16 को अपलोड हुआ है, कल 15 को बना है और 16 को अपलोड हुआ है, यानी रात को 12:05 पे अपलोड हुआ है। और जिनका इन लिस्ट में नाम आया है उनको जामिया पॉलिटेक्निक में जाके 20 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर को 3 दिन आपका एडमिशन होगा up to 1 PM, यानी दोपहर 1 बजे तक। किसी भी दिन आपको सुटेबल लगे उसी दिन को आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। आपको जाना होगा जामिया यूनिवर्सिटी के जो पॉलिटेक्निक है वहाँ पर जाना होगा, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है जामिया पॉलिटेक्निक का, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है जामिया के यूनिवर्सिटी में। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ले जाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स का कोई डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। रिजर्वेशन का आप ज़रूर सर्टिफिकेट ले जाइएगा अगर आप रिजर्वेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जामिया ने टेंटेटिव डेट दिया है नेक्स्ट लिस्ट 23 नवंबर को, इफ सीट्स रिमेन वैकेंट। जिस हिसाब से वेटिंग कन्फर्म हुआ है उस हिसाब से सातवीं लिस्ट भी आ सकती है दोस्तों, और कट ऑफ जो मैंने गेस किया था 27 नंबर का, वो 27 नंबर तक भी जाएगी। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि आपको जनरल का जाएगा 30 और OBC का जा सकता है कितना, 27। अब जनरल का 30 से नीचे घट के और भी नीचे गया है, इस वीडियो में आगे आप कंटिन्यू देखते रहिए। और कट ऑफ अगर आप अगली साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कट ऑफ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में जनरल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ गया है 29.75 और मुस्लिम कैटेगरी का गया है 28.50, मुस्लिम OBC और ST का जो कट ऑफ गया है 28.25। दोस्तों इसके अलावा आप देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनको 29 मार्च कट ऑफ गया है, कितने, 170 में। दोस्तों ये 170 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें आपका अगर 30 नंबर भी आता है तो आपको सेल्फ फाइनेंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगले साल के लिए ये बहुत ही अच्छा वरदान साबित होगा। आप इस कट ऑफ को स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मुस्लिम कैटेगरी का गया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 27.75, यानी 27.75, मुस्लिम OBC ST का गया है 27.00। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में जनरल कैंडिडेट से गया है 27.75, मुस्लिम कैंडिडेट से गया है 27.25, और मुस्लिम OBC ST का गया है 26.75 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ये सारे 170 में से मार्क्स है दोस्तों। इसके अलावा आप देखिए आगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है इसमें जो कट ऑफ गया है जनरल का 26, मैं आपको बताया था 27, ये आ गया है 26 तारीख तक। 26 नंबर कितने में, 170 मार्क्स में अगर 26 नंबर लाते हैं तो भी आपका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाएगा अगले साल भी। मुस्लिम कैंडिडेट्स का गया 26.25, मुस्लिम OBC ST का 26.00। 30 नंबर का टारगेट रखें अगर आपको सेल्फ फाइनेंस में लेना है। ये कट ऑफ जो हर साल वेरी करता है, लेकिन वेरी कितना करेगा, 2-3-4 करेगा, 10-20 कट ऑफ वेरी नहीं करता है। जितना कट ऑफ इस साल आएगा अगले साल 2-3 ज्यादा 5 प्लस जा सकता है या माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है, आने वाले 10 सालों तक लगभग यही आसपास का कट ऑफ जाता है।
जनरल कैंडिडेट्स का देखिए 28.50, मुस्लिम कैंडिडेट्स का 27.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 27.00, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इन सेल्फ फाइनेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। दोस्तों जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज, ये जो पीडीएफ लिस्ट है मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको आसानी से डाउनलोड करके आप अपना रिजल्ट रोल नंबर वाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, प्रेफरेंस वाइज आप देख सकते हैं, और अपने मनपसंद के ब्रांच जो भी आपने दिया है उसमें अपना रिजल्ट रोल नंबर वाइज या रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। पहले जनरल का है, उसके बाद मुस्लिम कैंडिडेट्स का है, उसके बाद है मुस्लिम ओबीसी एसटी का, इसी क्रम में कंप्यूटर साइंस का जनरल का है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स का, देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मुस्लिम ओबीसी एसटी का है। और अब देखिए इलेक्ट्रिकल में जनरल कैंडिडेट्स के अच्छे खासे सिलेक्शन हुए 21 कैंडिडेट्स का, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुस्लिम कैंडिडेट्स का 18 कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुस्लिम ओबीसी एसटी के 4 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। ये आने वाले टाइम में जो कट ऑफ है वो ऊपर ही जाएगा, 4-5 और आगे कम होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि जामिया के डिप्लोमा का कितना वेटेज है, कितना फ़ायदा है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं जनरल के कितने कैंडिडेट्स, 29 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और मुस्लिम कैंडिडेट्स का 26 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और मुस्लिम ओबीसी एसटी का 7 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल का 13 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुस्लिम कैंडिडेट्स का 17 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुस्लिम ओबीसी एसटी के 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ब्रांच चेंज का है, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से सिविल में गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगेन सिविल में, देन इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टू मैकेनिकल में। दोस्तों ये 14 पेज के जो पीडीएफ लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जिनका एडमिशन लिस्ट में नाम आया है रोल नंबर से वो 22 तक जाके एडमिशन ले सकते हैं, यानी 20-21-22 को ले सकते हैं। जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको 23 नवंबर के आसपास वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका भी रिजल्ट 23 के आसपास आएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो मेंशन आप ले जाइएगा, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ले जाइएगा, इसके अलावा उसका जेरोक्स करा लीजिएगा। एफिडेविट जामिया के आसपास बनता है, जुलेना में भी, ओखला हेड पे भी, और बटला हाउस में भी बनता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।